आइए संगत जी, आज इनवाइट करेंगे चरणबीर सिंह अंकल को। बसीन अंकल आए और आगे सत्संग शेयर करें। धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह मेरे गुरु जी महाराज, जिनी थोड़ी प्रशंसा जिनी थोड़ी उस्तत करिए घट है। मैं आप जी दे मुख तो सारी संगत नू नवे साल 2024 दियां लख लख बधाइयां देना जी। सारी संगत को लाख लाख बधाई हो। ये जो आने वाला आया समय 2024 का नया साल है, आप सब सबको बहुत बधाई। सबके लिए ये साल इतना बढ़िया आए, इतना अच्छा आए कि गुरु जी की ब्लेसिंग सब पे मेहर जैसे बनी हुई है वैसे ही बनी रहे। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु जैसी जो उनकी कृपा है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई देव ही नहीं है। जब गुरु का जन्म होता है ना, तो गुरु ने इतनी तपस्या की होती है कि उस परमात्मा अकाल पुरख जो कि एक ज्योत के स्वरूप में है, उस अकाल पुरख को, एक गुरु को, उस मां की कोख से, जिस मां ने भी इतना तप किया हो, जिस मां ने भी इतनी तपस्या पिछले जन्म में की हो, कि उसकी कोख में से जैसे हमारे गुरु जी ने डुगरी में जन्म लिया, वैसे ही संगत जी हमारे गुरु जी भी उस परमात्मा के कहने पे, उस अकाल पुरख के कहने पे, हम सब लोगों की भलाई के लिए, हम सब लोगों के दुख हरने के लिए, हम सब लोगों के कष्ट हरने के लिए उन्होंने पृथ्वी लोक पे जन्म लिया। गुरु जी की उपमाएं, गुरु जी की साखियां, गुरु जी की कहानियां नहीं कह सकता मैं इसको, सब सत्य कथाएं बहुत हैं, अनगिनत हैं, जो कि सारी संगत ने YouTube में एक दूसरे के मुख से सुनी हैं और सुनी होंगी। गुरु जी ने, मैंने भी जब गुरु जी को ज्वाइन किया तो मैंने भी उषा भाटिया और बीबी भाटिया के थ्रू किया। 2002 की बात है, हम दिल्ली से शिफ्ट हुए थे गुड़गांव में। उस टाइम नए होने के कारण हमें कोई मंदिर गुरुद्वारा या गुरुद्वारा ऐसा नहीं मिला कि जिसके हम जा सकें रोज, क्योंकि हमें शुरू से ही बचपन से ही अपने माँ बाप ने आदत दी थी कि आपको गुरुद्वारे जाना है, वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की समक्ष अपना माथा टेकना है। तो वहां दिल्ली में तो जाना बहुत होता था, दिल्ली में मंगला साहब गुरुद्वारे, शीशगंज साहब, अपने गुरु नानक जो गुरुद्वारा है अशोक विहार में, तो जाना इतना होता था कि मतलब कि यहाँ पे जब गुरुद्वारा नहीं मिला गुड़गांव में, तो मेरे बेटे जो कि रचित भाटिया सबके बेटे के साथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि यार मेरे माँ बाप को कोई गुरुद्वारा, तुम्हें पता है तुम तो पुराने गुड़गांव में रह रहे हो, तो उसने कहा कि यहाँ एक गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट में होते हैं, तो वहां पे भी आपके गुरु की वाणी सारी चलती है, तो अपने मम्मी पापा को बोलो, मेरे मम्मी पापा से बात करें या एम्पायर स्टेट में हमारे साथ चलें। देखो जी, पुरबले जमनों की ये भी मेरी भी बात है कि गुरु से मिलना था, थ्रू मिलना था, कैसे मिलना था ये तो गुरुजी की गुरुजी जाने, पर उन्होंने उनके थ्रू एक दिन नहीं दो दिन कहलवाया भाटिया जी ने कि चलो एम्पायर से चलते हैं। तो मैंने कहा भाटिया अंकल मेरा मन नहीं मानता, मैं गुरुद्वारे ही जाऊंगा, क्योंकि मैं बींग ए सिख गुरुद्वारे से अटैच हूं। उन्होंने कहा कि आप एक बार चलो तो सही। तो एक दिन वो हमारे घर में आए और हमें ले गए।
जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो हमने वो सिंहासन में गुरु जी को विराजे हुए देखा। हमारे समक्ष तो गुरु जी की हमने जो स्वरूप मन में धारण किया हुआ था कि गुरु जी विद बियर्ड, बालों में बाल होंगे, लंबे लंबी दाढ़ी होगी, कोई गुरु संत महात्मा जैसे हम देखते आ रहे हैं या जो जो हमें मतलब देखा है उसके अकॉर्डिंगली वो धारण कर लिया था। लेकिन यहाँ गुरु जी का स्वरूप देख के थोड़ी देर थोड़ा अचंभित तो हुए, लेकिन बैठे हुए तो शब्द चल रहे थे, वही शब्द गुरबाणी जो हम रोज डेली अपने घर में सुनते थे, वही शब्द जो कि मेरे फेवरेट थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार शब्द मैंने सुने। सुनते सुनते मैं शब्द सुनते सुनते गुरु जी की चेहरे पे एकदम देखता रहा और गुरु जी मुझे देखते रहे। मैं गुरु जी को एकदम देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर नूरानी रूप देख रहा हूँ, इतना नूर था गुरु जी के चेहरे पे। ये बात है 2002 की मेरे ख्याल से। तो इतना नूर देख के थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन है कि आंखें नीचे भी होगी मेरी। मुझे लगा वाकई ही गुरु जो कि है इनके अंदर बहुत तेज है, तेजस्वी हैं, पर अभी भी मान मान नहीं रहा था, मन माना नहीं। मैं गुरुजी पे माथा टेका, गुरुजी ने कहा आया करो, आज्ञा ली। लंगर प्रसाद छकने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेके घर आ गया। घर आया तो घर में वही सोया तो थोड़ा सा डर खौफ था। देखो अगर आप शिव जी महाराज का स्वरूप या रूप धारण देखोगे तो उनके गले में भी नाक की नाक का वास था, गले में जैसे उनके सर्प थे और जैसे वो तांडव नृत्य करते थे। मैंने सुना था, सुना क्या, मैंने देखा भी होगा। तो वही रूप धारण मेरे सपने में आने लगा, जैसे मैं को डर लगा थोड़ा सा, पर लेकिन उस मेरे कमरे में गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी। फ्रेग्रेंस भी ऐसी थी जो मैंने सुनी नहीं थी उस टाइम तक, लेकिन एक खुशबू थी जो कि मुझे बाद में पता चला कि गुरु जी के पास से ऐसी फ्रेग्रेंस आती है कि जो भी उनका मतलब कि सुगंधित लेता है वो समझता है कि भाई गुरु जी मेरे समक्ष हैं, मेरे साथ हैं। चलो इस तरह मेरा गुरु जी का एम्पायर स्टेट में जाना आना शुरू हुआ। जाना आना शुरू होता है जी गुरु जी के यहाँ, गुरु जी से मिलना, गुरु जी से फिर बातें करना, फिर कभी जाना गुरु जी के चरण दबाना। वो मना करते थे बहुत, लेकिन मैं कह रहा था नहीं गुरु जी थोड़ी देर चरण दबान दो, मैंने अपनी सेवा का मौका दो। उन्हीं दिनों में सिंगला अंकल ने जो कि वहां चाय का लंगर प्रसाद बांटते थे, अपनी निमराना में एक फ्लोर मिल्स खोली थी, तो उन्होंने आटे की चक्की की गुरुजी महाराज से कहा कि मुझे वहां पे उसको ब्लेस करवाना है, कीर्तन करवाना है। तो गुरुजी ने रात को लेट रात ऐसे होती थी जी कि जैसे आप सब आए, ऊपर नीचे मिला के 50-100 बंदे होते थे, तो वो उन्होंने लंगर इकट्ठे बैठ के छका। लंगर खाने के बाद सबने आज्ञा ले ली। आज्ञा लेने के बाद मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-15 या 10-20 मैक्सिमम लोग होते थे जो कि गुरु जी के समक्ष बैठ जाते थे, और गुरु जी को मतलब कि दिल ही नहीं करता था छोड़ने का कि घर जाएं या ना जाएं, गुरु जी के समक्ष ही बैठे रहे सारी रात। वहां बैठते थे, गुरु जी पंजाबी म्यूजिक चला देते थे, पंजाबी म्यूजिक सुनते सुनते गुरु जी ने अचानक कहा कि कल सुबह हमने सिंगला अंकल की आटे की चक्की की मशीन फैक्ट्री को ब्लेस करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि जय संगत बैठिए। ऐसे संगत तो थे वो जो NH8 नेशनल हाईवे पे हल्दीराम के वहां बाहर इकट्ठे होंगे हम सब। सो टाइम भी फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, हम गुरु जी के वहां वेट कर रहे थे। गुरु जी की कंटेसा एक नंबर गाड़ी आई, हम गुरु जी को माथा टेका तो गुरु जी के पीछे गाड़ियां सबने लगा दी। गाड़ियां लेके सब हम जब निमराना पहुंचते हैं तो वैसे ही कीर्तन चल रहा था। कीर्तन भी वो
अपना मेरे को नाम तो याद नहीं, लेकिन सरदार जी अंकल थे जो कि सारा म्यूजिक को हैंडल करते थे, चलाते थे, वो बैठे थे वहां पे। म्यूजिक चलने के बाद हमेशा की तरह लंगर प्रसाद बटा, लंगर प्रसाद सबने चखा। लंगर प्रसाद चखने के बाद सबने गुरु जी से आज्ञा ली। आज्ञा लेने के पश्चात जब सब बाहर खड़े थे गुरु जी की गाड़ी के इर्द गिर्द, एक तरफ सारी लेडीज खड़ी होगी, एक तरफ सारे जेंट्स खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में गुरु जी ने इशारा किया लेडीज की तरफ। इशारा किया तो हर कोई लेडीज चाहती थी कि गुरु जी शायद मुझे बुला रहे हैं, मैं ही भाग्यशाली हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नीले सूट वाले को बुलाओ। सो नीले सूट वाली, जब मेरी वाइफ ने देखा गुरु जी मुझे बुला रहे हैं, तो बोली मैनू, ते डरते डरते आई तो मेरे को उसने कहा आप मेरे साथ चलो। हम दोनों आए तो हम गुरु जी के एकदम आंखों से नजरों से नजरें नहीं मिला सके, लेकिन गुरु जी के चरणों में हमने नीचे माथा टेका और गुरु जी के नीचे होके हमारे आंखों से आंसू निकलने लग पड़े कि गुरु जी ने हमें याद किया है। अभी तो हम बहुत नई संगत हैं। गुरु जी ने कहा कि सुन दी नहीं तू? हमने कहा नहीं सुना नहीं, देखा नहीं, गलती हो गई। गुरु जी ने कहा तेन अस्थमा नहीं है? आंटी ने बोला हाँ अस्थमा है, क्योंकि आंटी को पता था कि ये अस्थमा जो उनका था वो या मेरे को मालूम था या उसको मालूम था, मेरे घर में भी किसको मालूम नहीं था कि वो इनहेलर्स लेती है, हैवी मेडिसिंस पे है, और उसका कॉफिंग इतनी ज्यादा होती थी कि वो रुकती ही नहीं थी। तो गुरु जी हाँ जी मैंने अस्थमा है, कल्याण नहीं करवाना? गुरु जी ने कहा कल्याण कर दो। कहने वड्डे मंदिर तुसी महाशिवरात्रि में मंडे मंदिर में आना, थोड़ा कल्याण कर देंगे। हम सुन के दोनों फिर रोने लग पड़े। गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा मेरे नाल पीछे चलो। फिर वहां से हमने गाड़ियां ली और गुरु जी के साथ वो अपना रौनक सिंह है, रौनक भारत स्टील ट्यूब फ्रेंड्स कॉलोनी, गुरु जी के साथ वहां उनके वहां चले गए। वहां जाके कीर्तन किया, कीर्तन के साथ रहरा साहब किया, पाठ किया, वहां से गुरु जी से आज्ञा ली, आ गए। 10-12 दिन के बाद मेरे ख्याल से महाशिवरात्रि थी। हम घर में ये बात करते थे कि देखो गुरु जी तो इतनी दुनिया आती है गुरु जी के समक्ष, गुरु जी तो भूल ही गए होंगे, गुरु जी को क्या याद होगा कि गुरु जी ने हमारे को कल्याण के लिए बोला है। महाशिवरात्रि की राइट सबकी तरह हम भी लाइन में खड़े हो गए। हम भी उस टाइम, मेरे को याद है कि गेट से बाहर तक लाइन बहुत लंबी थी, तो हमारा नंबर वहां था। ऐसा ऐसा चलते 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 जब हमारी बारी आई, हमारे से आगे एक लड़का था, उसने भी गुरु जी को कहा था गुरु जी मैं सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहता हूं, मैं जब भी चढ़ता हूं सीढ़ियां तो मुझे सांस आ जाने पड़ता है और मुझे अपनी जीभ के नीचे सॉर्बिटेट रखनी पड़ती है, तो इट मींस उसका सांस फूल जाता था, तो उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम थी। तो गुरु जी ने उसको भी कहा था कि तेरा कल्याण करेंगे। गुरु जी ने जैसे करते हैं, जैसे सारी संगत को मालूम है, गुरु जी ने राइट हैंड से जैसे ऐसे थाल पड़ा है जलेबियों का या प्रसाद का, गुरु जी ने राइट हैंड से वो जलेबियां उठाई, एक हाथ से उठाते थे आपके दोनों हाथ पूरे भर जाते थे प्रसाद से, उसको दिया और उसको कहा तेरा कल्याण करता जा। हम कहा इसका कल्याण तो हो गया भाई, अब हमारी बारी है, गुरु जी को याद है कि नहीं? तो हम भी दोनों झुके, मेरी आंटी झुकी, गुरु जी ने प्रसाद दिया, तो कह जा आज तेरा कल्याण करता, आज तू बिल्कुल ब्लेस करता तेन। हम दोनों खुशी 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 बाहर आए। उस टाइम बाहर वेड़ा होता था और वेड़े में नंदी होती थी, नंदी बाहर नंदी के पास ही बैठ के सारे बैठ के प्रसाद खा रहे थे, हम दोनों भी वहां बैठ गए। हमने वहां बैठ के प्रसाद चखा, प्रसाद खाया, तो प्रसाद की बात सुनी तो थी कि जहां पे मंदिर में बैठ के खाया तो दवाई, घर पे ले गए तो मिठाई, ये गुरु जी का कहना था। तो जब आंटी मिठाई अपनी खाने लगी, मैंने अपनी जलेबियां खाई, इनमें ना वो आंटी के हाथों में चाशनी रह गई,
तो साथ वाली लेडी बोली, इस राशनी को भी चाट जाइए, इसी में सारा प्रसाद है, अमृत है। उसने जब भी जैसे जैसे वो चाशनी चाटी तो उसको अंदर एक ऐसी फ्रेग्रेंस उसके अंदर गई कि वो थोड़ा सा देख के मेरे को आश्चर्य से देखने लग पड़ी। मैंने कहा सब ठीक तो है ना? कहती नहीं नहीं मैंने कुछ बताना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ के बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा शब्द सुनो। सुना जी, उसके बाद हम जाते हैं जब गाड़ी में, तो इसने कहा कि मेरे को तो ऐसी इतनी जोर से फ्रेग्रेंस मेरे चेस्ट तक आई है अंदर, और ऐसी जोर से मतलब कि मेरे को अंदर जैसे फील हुआ, पिन अप हुआ, कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दर्द और मेरा कुछ कुछ रिलीव मिला है मेरे को बहुत बड़ा। मैंने कहा जय गुरु जी महाराज, ये बड़ा बड़ा करिश्मा हो गया, गुरु जी ने थोड़ा कल्याण करता। संगत जी घर आ गए, ये बात है 2002, अब मेरे को नहीं मंथ याद अभी, लेकिन आज 2024 हो गया जी, 22 साल हो गए वजीन आंटी को, ना तो अस्थमे की शिकायत है, ना ही उनको कोई खांसी है, ना ही उन्होंने कोई मेडिसिन ली है, ना ही कोई इनहेलर लिया है। उस महाराज ने ऐसी बख्शिश ऐसी कृपा करी कि देखो जो उन्होंने एक चीज थी वो जड़ से खत्म कर दी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, आपका शुक्राना हम परिवार जितना करें कम है, कम है। गुरु जी आपने इतनी कृपा, इतनी बख्शिश आपने की है हमारे परिवार पे, उसका ऋण हम चुका नहीं सकते। तो संगत जी देखो, ये गुरु की कृपा भी सबको नहीं होती, गुरु की कृपा भी विरले इंसानों को होती है, होती तो सब पे है, जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सबना ऊपर कृपा तेरी, किसे है थोड़ी किसे घनेरी। क्योंकि वो एक ऐसा दाता है, ऐसा गुरु है जो सबको देना सीखा है, उसके भंडार इतने भरे हुए हैं, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अगर आपके जुगा जुगंतर जुगों के जुगों को ही खिलाता रहे कम नहीं पड़ता। तो इस तरह ही उसकी कृपा जिस पे बढ़ जाए, जिस पे तेरी मेहर, उस पे मेहर जिस पे हो गई, तो उस देखो जी कोड़ा रीठा जो हमारे दरबार साहब गुरु हरिमंदर साहब में वृक्ष लगा हुआ है, गुरु नानक साहब ने हाथ लगाया, वो भी गुरु थे ना जी, गुरु जी की तरह गुरु थे, महाराज थे, उन्होंने हाथ लगाया तो वो रीठा कोड़े से मीठा हो गया। इस तरह ही जैसे ही उन्होंने नजर की, कौओं ने उस सरोवर में डुबकी लगाई, कौए हंस होके बाहर आ गए। तो गुरु की कृपा सब पर है और सब पर रहेगी भी, लेकिन मेरे परिवार जो मैंने आपको अपनी चीजें पृथक बताई हैं, मैं सत्संगत में जाता हूं, काफी संगतों में अपनी जिंदगी में 2002 से अब तक गया हूं, काफियों के समक्ष बोला भी हूं, लेकिन अपने परिवार की जो बख्शिशें जो कृपाएं जो मेहर उस सद्गुरु ने की है, उसे सुनाना कभी नहीं भूलता। क्योंकि मुझे याद है कि गुरु जी ने एक बार कहा था कि संगति चाया करो, तो अपना सत्संग जो तुम्हारे नाल होया है वो शेयर कराया करो, एक बार नहीं दो बार, और जितनी बार तुम करोगे उतना ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज इज मीन दैट ब्लेसिंग्स फॉरएवर। तो ये ब्लेसिंग्स जो है ना, एक चीज को बार बार शेयर करने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। संगत जी एक दिन ऐसे हुआ, गुरु जी का दरबार लगा हुआ था, शाम का टाइम था एम्पायर स्टेट में, गुरु जी के समक्ष जब भी वो शादी के कार्ड आते थे, तो गुरु जी की मौज है ना जी, अब इतनी संगत है, उसने गुरु जी ने किस किस को कार्ड वो देने हैं,
छह वो कार्ड सात आते थे या दस आते थे, एक दिन सुबह सुबह, सुबह की बात नहीं है, शाम की बात है, गुरुजी की संगत से उठ के अर्जुन अंकल, अर्जुन सबरवाल, अर्जुन अंकल को गुरुजी ने ऊपर अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखा भसीन आंटी एंड भसीन अंकल। कार्ड्स मेरे पास हैं, गुरुजी की शादी के सारे हैंड रिटन लिखे हुए, लेकिन उसमें लिख के उन्होंने अपने हाथ से अर्जुन अंकल को कहा कि भसीन अंकल ने कर दिया। संगत जी वो शाम को बेल होती है तो मैंने देखा अर्जुन अंकल आए हैं, अर्जुन अंकल आए बैठे, हमने आपस में बैठ के गुरु जी की बातें शुरू की। तो कहने जी गुरु जी ने थोड़े वास्ते शादी का कार्ड भेजा, शादी से जरूर जाने, उसे सिर मत्थे ते लगाया जी, इस तो बड़ा भाग्य, इस तो बड़ा ओह भाग्य की होएगा, इस तो बड़ा ऐसी लकी, वी आर वेरी लकी एंड वी आर प्राउड। सो उन्होंने कार्ड दिता, कार्ड दे के हम आधा घंटा बैठे होंगे, एक घंटा बातें की सारी गुरु जी की, तो वो चल दिए। सुबह गुरु जी के मंदिर जब पूछने हैं तो गुरु जी ने पूछा वसीन अंकल कार्ड देता सी, मैं क्या देता, कहते उन्हां दी कोठी कित्थे है, उसने कहा कि अगर मैं गलती नहीं करा तो उनकी कोठी नहीं, उनका फर्स्ट फ्लोर है, वो फर्स्ट फ्लोर में बी ब्लॉक में रहते हैं फेज टू में। तो गुरु जी ने कहा नहीं तेनू गलती लगी है, कल फिर जाई उन्हां दी कोठी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी संसंग सुन रहा था कि गुरु जी ने किसी ने भी संगत ने कह दिया, गुरु जी ने उनके किसी के थ्रू कहलवा दिया, वो बात वाकई ही पूरी होती है, बात वापस नहीं जा सकती। अगले दिन अर्जुन अंकल जी फिर आ गए, कहते नहीं गुरु जी ने कहा थोड़ी तो कोठी है, थोड़ा है फ्लोर नहीं है, तो मैं कंफर्म कर रहे हैं दोबारा। उन्हें कहा मैं क्या, अब तो गुरु जी ने के मुंह से निकल गया, गुरु जी ने वचन किए अपने मुख से, तो ये तो पूरे होंगे ही होंगे। अर्जुन अंकल अजय तो नहीं है, अजय तो साड़ा फर्स्ट फ्लोर ही है, ते गुरु जी का क्या सिर मत्थे ते। सत्संग जी बिलीव कीजिए कि ये मतलब कि 500 स्क्वायर यार्ड्स की कोठी है, हमने इंडिया दिल्ली से शिफ्ट हुए थे, पेरेंट्स से अलग हुए थे तो फर्स्ट फ्लोर ही लिया था, इसके अंदर बेसमेंट थी एक पूरी बनी हुई, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर फुल था, फर्स्ट में हम रहते थे, सेकंड फ्लोर भी किसी और का था वो बना हुआ था, फिर टेरेस थी। तो कट शॉर्ट, कुछ ही दिनों में मैं पंजाब गया था अपने कोई काम के लिए, तो वो जिसकी वो मालिक था सौभाग्यवंश से, मतलब कि लकीली बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर और टेरेस उसी का था, उसने किराए पे दिए हुए थे, उसने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर किराए पे दिया हुआ था। तो वो बाहर नीचे ना किराएदार से लड़ रहा था, आप किराया टाइम पे नहीं देते, ये नहीं करते। मेरी आंटी सीन आंटी तो और उसका बेटा, मेरा बेटा ऊपर खड़े थे, दोनों सुन रहे थे बातें उनकी। तो उन्होंने कहा कि नीचे बोला अंकल आप ऊपर आइए पानी वानी पीजिए, तो ऐसे हैं अंकल आप हमारा फर्स्ट फ्लोर ले सकते हैं, आपकी तो सारी कोठी है, क्योंकि हमने सोचा है कुछ फेज वन में या कहीं पे अपना छोटी कोठी ले लें, यहाँ पे सारा दिन दरवाजा खुला रहता है, काफी लोग आते हैं, मेरी मदर इनसिक्योर फील करती है, फादर मेरे बाहर होते हैं। तो उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं ले सकता, मेरे पास आगे और कोर प्रॉपर्टी भी है, मैं तो इस टेनेंट से परेशान होने के कारण बोल रहा था, आपको लेनी है तो आप ले लो। उसके मुख से ये निकला, तो ये आप समझिए संगत जी कि मेरी वाइफ या मेरे बेटे ने ऐसे समझ लिया कि जैसे उन्होंने कोठी हमारे को दे दी कि आपने लेना है तो आप ले लीजिए। इन्होंने शाम को तुरंत मुझे एक कॉल मिलाई पंजाब में और बोला कि ऐसे ऐसे वो बोल रहा था, तो पापा इसको किस तरह भी कोशिश करो और इसको कोठी को लेने की प्रयत्न करो। मैंने कहा बेटा ये बात सुनो, ये कोई 2-4, 10 लाख, 20 लाख का काम तो है नहीं, देखो कोठी है पूरी और ठीक है, चलो आपने कह दिया, लेट मी कम बैक एंड वी विल स्पीक टू ईच अदर।
घर में वापस आया मैं 2 दिन बाद, तो सारी बात हुई, आपस में बातें हुई, बातें हुई, हमने इसी मिस्टर भट्टाचार्य को, उसकी वाइफ को डिनर पे आमंत्रित किया। हमने कहा कि आप आजाद का डिनर जो है हमारे साथ करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वो घर पे आए, आए तो मैंने उनसे कहा बात, ऑफर्ड हिम ड्रिंक्स, फूड, फिश खाता था, बंगाली था। तो उसके बाद कहता है जी आप बताइए क्या इसलिए बुलाया था। मैंने कहा बुलाया नहीं, हमने याद इसलिए किया था कि आप कह रहे थे मेरे बच्चों को कि भाई हमने अपने बाकी के फ्लोर्स भी बेचने हैं, तो हम ले सकते हैं क्या आप, अगर आप उसकी वैल्यू बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक्स वैल्यू आप डाल लो, या मार्केट जो वैल्यू होगी उससे मेरे को चाहे 2-4-5 लाख कम दे देना, आई एम रेडी बट आई विल बी हैप्पी टू सेल इट टू यू। संगत जी, सारी बात को ना दोहराते हुए मैं आपसे विनती करके कह रहा हूं हाथ जोड़ के कि वो कोठी हमारी हो गई। कहां से पैसे आए, कैसे जुड़े, कैसे कुछ हुआ, कैसे रजिस्ट्री हुई, लेकिन उसने हमारे कुछ शख्स ने, उस देवता ने, गुरुजी के कहने पे, मैं तो कह रहा हूं गुरुजी ने का भेजा हुआ बंदा फरिश्ता था वो, कि वो आप बिलीव कीजिए संगत जी, उसने हमारे को 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने भी हमारी पेमेंट थोड़ी सी कम रह रही थी, उसने 2 महीने और दे दिए। तो इससे हिसाब लगाइए कि कौन 6 महीने 8 महीने का टाइम देता है। तो इतने लंबे समय में उसने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, और आज देखो ना गुरु जी का कहने का, जो गुरु जी ने कहा था वो 100% ट्रुथ और बिल्कुल साक्षात आपके सामने है संगत जी। ये है हमारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थोड़ी कृपा सब थे ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਸ਼ਬਦ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਭੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਵਿਕਰਮ ਅੰਕਲ और अंकल, जो अंकुर अंकल हैं, जो भी हैं, उन्होंने मेरे को कई बार याद किया, लेकिन मेरा कभी काफी बार, कई बार मेरे हार्ड लक ये था कि मेरा माइक्रोफोन स्विच ऑफ नहीं होता था या समथिंग प्रॉब्लम वाज देयर। कल भी परसों भी मेरा ऐसे नहीं हुआ 2-4 दिन पहले, तो आज फिर मैंने कहा चलो आज भी संगत नहीं होनी, शायद गुरु जी को महाराज को क्या मंजूर है, ये मन में सोचता हुआ बैठा हुआ था, सुन रहा था आंटी की संगत, अर्चना आंटी की संगत, सुनते 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 देखो मुझे बारी मिली गई। थैंक यू विक्रम अंकल कि आपने मुझे इतना समय दिया और आपने मुझे मतलब कि इस संगत करने का सौभाग्य दिया। गुरु जी का शब्द था, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, जो गिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। उसका देखो समक्ष अगर मतलब तो कितना गहरा गूरा मतलब है। वाओ का मतलब होता है हवा, तेरे को एक तत्ती हवा क्या तेरे को ऐसी मतलब कि दुख भी ना लगे, ऐसे दुख का झोंका भी ना तेरे को आए। उस पार ब्रह्म की शरणाई का मतलब कृपा, उस गुरु की तेरे पर इतनी कृपा है कि तेरे को उस दुख का झोंका भी नहीं आ सकता। क्यों? उन्होंने कह दिया चौगिर्द हमारे रामकार, उस राम ने चारों तरफ तेरे एक ऐसी लाइन खींची हुई है कि जिसके अंदर तू ऐसे प्रोटेक्ट है, ऐसी प्रोटेक्शन तेरे को दी हुई है उस गुरु ने कि वो तेरे को कुछ होने भी नहीं देगा। ताती भावना ला गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार। नेक्स्ट कह दिया दुख लगे ना भाई, तू तो क्यों नहीं लगे, सतगुरु पूरा भेटिया, वो सतगुरु मेरे को पूरा सतगुरु मिल गया, उस सतगुरु ने प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दे दिए, अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया है, ऐसा हाथ मेरे सर पे रखा है कि मुझे सारे मेरे विघ्नों का विनाशन, विघ्न विनाशन, सब दुख नाशन, सब दुख नस गए हैं। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेंटिया जिन बनत बनाई, सारी बनत उसकी बनाई हुई है, सारी सृष्टि उसकी साजी हुई है, सारा ब्रह्मांड उसका है।
वो कहां कैसे वर्त रहा है, कहां किसकी नजर, किस नगाह से देख रहा है, जैसे सबने कहा, जैसे संगत में सब कहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी नजरे इनायत सब पे बनी रहे। हे महाराज, हम तो तेरे दर के कुकर हैं, हम कुकर तेरे दरबार, भोंके दर बदन पसार, हम तेरे दर के कुत्ते हैं, ऐसे कुत्ते हैं कि जिनके गले में तूने ऐसी जंजीरी डाली है, जहां जहां तू खींचेगा मेरे गुरु वहां वहां हम जाएंगे। हम कुकर तेरे दरबार, भोंके दर बदन पसार, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जै खींचे तै जाओ। जिथे तुसी खिंचोगे महाराज, जिथे तुसी कहोगे, जिसना तुसी कहोगे, एक ऐसी हिम्मत दो, ऐसी शक्ति दो कि असी उस प्रकार तुहाडे पाणे विच, तुहाडे कहने विच चलिए और सदा ही चलते रहिए, तदी साड़ा सुख मिलना है। उदे बगैर साड़े बगैर सारी सब कुछ गलत है। कहते हैं ना कि जो भगत लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, उस परमात्मा की असीम ऐसी कृपा दृष्टि और ऐसा हाथ रख के भेजा गया होता है इस जमीन पे कि वो जो चाहे कर सकता है। इसमें कोई उम्र की दरकार नहीं है कि उसकी उम्र छोटी है या बड़ी है, उसके अंदर छोटी अवस्था से ही ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे गुरु भर देता है, शक्तियां दे देता है कि उस शक्तियों से वो सबका निरंतर देख रेख करते हैं। भगत फकीर जी फरीद जी थे, जब भगत में उनके साखी, उनकी माता जी ने भगत फकीर फरीद गुरु फरीद कैसे बने, गुरु जी ऐसे बने कि जैसे उन माता ने कह दिया कि भाई मेरे बेटे को तो गुड़ शक्कर चीनी ये सब चीजें बहुत पसंद हैं, मीठा इसको माखियो इतना पसंद है कि इसको अगर मैंने भक्ति लगाना है, उस प्रभु का राम नाम का सिमरन करवाना है, तो मुझे इसको लालच देना पड़ेगा कि ये भक्ति कर सके। तो वो क्या करती थी कि रात को ही चुपके से उसके तकिए के नीचे थोड़ा सा गुड़ थोड़ी सी शक्कर रख देती थी और उसको कहती थी सुबह उठ के अमृत का वेला हो गया है, उठ के राम का नाम ले, उस प्रभु का नाम ले, बंदगी कर, क्या मिलेगा मेरे को मां उसके बदले में। माता ने कहा तेरे को उसके बदले में जो तू पसंद करता है गुड़ मीठा सब मिलेगा। उसने भक्ति शुरू कर दी, मां के कहने पे तकिया उठाता है, नीचे उसको हमेशा मिठाई मिलती है, इस तरह उसकी बंदगी बढ़ती चली गई। लेकिन एक दिन संगत जी क्या होता है कि भाग्य की ये बातें हैं ना उस परमात्मा की भी, देखो इम्तिहान का टाइम आ गया, जब इम्तिहान का टाइम आया तो उसकी माँ को भेज दिया, उसकी माँ की बहन बीमार हो गई, तो गांव में, वो गांव में जा रही है, सोचते सोचते जा रही है कि मैं शाम को वापिस आ जाऊंगी, नहीं तो सुबह गुड़ कौन रखेगा उसके तकिए के नीचे। देखो उस परमात्मा के खेल, उस गुरु जी के खेल, ये चली गई रात को वहां पे, रह तो गई, तबीयत खराब थी बहन की, आ नहीं पाई, लेकिन सारी रात सोचती रही कि सुबह गुड़ कौन रखेगा, नहीं मिलेगा उसको तो उसकी भक्ति टूट जाएगी और उसका विश्वास मेरे से खत्म हो जाएगा। ये सोचती सोचती सुबह सुबह जब वापस घर को चल पड़ी, घर को वापस आती है तो कहते हैं फरीदा की होया बेटा, रात नमाज सिरे पड़ी सी। उसने कहा मैंने पूरी पुस्तक की उस प्रभु की। तो कहते फिर क्या मिला, कहता है इस टाइम तो वो दो टुकड़े गुड़ के या मिठाई के नहीं थे, इस टाइम तो मेरा कमरा ही पूरा भरा हुआ था, पूरे कमरे के तरफ मिठाई मिठाई थी, चारों तरफ जहां देखता था मैं तो देख के अचंभित सा रह गया। तो वो जो देने वाला है ना, उसके देने में इतनी शक्ति है और इतना मतलब कि दे सकता है, वो दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, इतना देता है वो, इतना देता है कि उसके भंडार भरे हैं। लेने वाले बनो, लेने वाला कैसे बनो, उसके आगे सरेंडर करो, उस गुरु के आगे नतमस्तक हो, उसके आगे इफ बट्स मत रखो, उसके आगे किंतु परंतु मत रखो, उसके आगे सिर्फ सरेंडर, अपने आप को
निछावर कर दो। हे प्रभु, ये डोरी जो मेरे हाथ की है तेरे हाथ में है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जी जन तेरे धारे। असी तेरे यहां, तेरे यहां, तेरे ही रहेंगे हमेशा, लेकिन अपनी नजरों से हमारे को दूर मत करना। अपना जो हाथ है, अपनी जो नजरे दृष्टि है, अपनी जो कृपा है, हम सब जीवों पे प्रभु बनाए रखना। आने वाला ये साल 2024 समय सबके लिए देश विदेश में खुशियों भरा, मेहर भरा, तंदुरुस्ती भरा, सेहत भरा लाना बाबू। ए प्रभु मेरी कृपा बनाए रखना। तो इस तरह संग जी, काफी साखियां, काफी गुरु जी के लक्ष्य में पाते हैं। आपको मैंने बताया कितने ही लोगों को मैं देखता था कि एम्पायर स्टेट में आते थे। आप बिलीव करो संगत जी, मैंने तो प्रत्यक्ष, मैंने और मेरी वाइफ बैठ के वहां देखे हैं कि मैं नाम किस किस का लूं। उन सबके मुंह में कैंसर अगर था, या उनके कहीं और कैंसर था, या उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, या उन्हें कोई कारोबार की तकलीफ थी, या उन्हें कोई किसी और की तरह की प्रॉब्लम थी, गुरु जी ने दूर की। और वो आके खड़े होके सुनाते थे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे गुरु जी ने उपकार किया। सर जी ये बातें जो है ना, ये गुरु ही कर सकता है। उस गुरु की जब की महिमा कही है उन्हें, सतगुर हुए दयाल, दयाल तसरधा पूरी है। सतगुर हुए दयाल ना कभू जूरिए, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग मानिए। तो वो तो कर ही सकता ना, वो इतना दयाल है, इतना महापुरुष है कि उसने तो भैया आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन देनी है और दी हुई है। संगत जी इतनी समय आपका मैंने ले लिया और इतनी बातें अभी पूरी मेरी हुई नहीं। मेरे दिल में अभी भी इतनी साखियां हैं, इतनी बातें हैं कि एक बार की बात है कि भगवान के ऊपर बात थोड़ी सी मैं 2 मिनट आपके लेने चाहूंगा। वो भगवान के ऊपर बात चुरी जी, उन्होंने मतलब कि कहा कि ये जो इंसान है जो हमेशा मेरे समक्ष आ जाता है और मेरे को मेरे से मांगता फिरता है, हमेशा मतलब कि कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मैं तो परेशान हो गया हूं इनके इन सब बातों से। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा सबको बुलाओ, जितने भी अपने समक्ष हैं उन सबको बुलाइए, तो उनसे बैठ के हम बातें करेंगे। उन्होंने जितने भी अपने आपके अपना अपने क्या कहते हैं उसको, देवताओं को बैठक बुलाई, सारे देवताओं को बुला के उसने कहा कि मैं मनुष्य की रचना करने से कष्ट में पड़ गया हूं। कोई ना मनुष्य हर समय शिकायत करता रहता है, कोई कुछ मांगता है, कोई क्या करता है, जबकि मैं उसके कर्मा अनुसार उसको सब कुछ दे रहा हूं और देता हूं, फिर भी थोड़ा सा कष्ट होता है उसको, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो मेरे पास पहुंच जाता है। किससे मेरी जिंदगी जो है वो मैं अपनी जीवन शांतिपूर्वक नहीं बिता पा रहा, तो मुझे एक ऐसी जगह बताओ जिससे मैं मतलब कि मनुष्य नाम के प्राणी को जहां पे कभी आ ही ना सके मेरे पास। प्रभु के विचारों का जो ना आदर करते हुए सारे विष्णु भगवान बोले, गणेश जी बोले कि आप हिमालय चोटी पर चले जाओ। भगवान ने कहा वहां वो तो ऐसा स्थान है कि हिमालय की चोटी पे तो इंसान सबसे बिल्कुल पहुंच जाएगा, वो तो वहां पे ऐसी जगह तो नहीं है ना जहां ना पहुंच सके, वो पहुंच जाएगा, उसे वहां अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने कहा कि सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाओ, वरुण देव बोले कि आप अंतरिक्ष में चले जाओ, वो भगवान बोले कि नहीं, मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। और भगवान निराश हो गए, सोचने लगे कि मेरा कोई ऐसी गुप्त स्थान नहीं है कि जहां मैं शांति वर्ग पूर्वक रह सकूं। अंत में ना एक दिन वो सूर्यदेव आते हैं जी, सूर्यदेव जी आते हैं तो उनको कहते हैं कि आप मनुष्य के हृदय में, दिल में वास करो, दिल में रह जाइए।
मनुष्य जो है अनेक स्थानों में आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, वो हर जगह ढूंढेगा, इधर ढूंढेगा कि जैसे एक हिरन होता है ना, हिरन के गले में वो मृग के कंठी होती है सुगंधी, वो सुगंधी जो है वो कस्तूरी को वो ढूंढता रहता है सारे जंगल में, क्योंकि उसकी खुशबू उसके नाक में आती है, नाक जब सूंघता है तो उसको समझता है कि कहाँ है कहाँ है, उसको ढूंढने के यत्न में पूरा जंगल वो छान मारता है, लेकिन वो होती वो उसके अंदर है। तो इसमें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में बोला, ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने, भ्रमता भ्रम भुलाया, भ्रम में ही घूमता रह गया। तो ईश्वर उस भगवान को ना सूर्य देव की बात पसंद आई, तो वो मनुष्य के हृदय में जाके बैठ गए। तो उस दिन से संगत जी ऐसा दिन है आज की, मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ना गुरुद्वारा मंदिर ऊपर नीचे आकाश पताल उसने ढूंढ रहा है, पर उसको मिल नहीं रहे कि भाई कहाँ है भगवान कहाँ रहते हैं, परंतु कभी भी उसने अपने भीतर अपने हृदय में झांकने की कोशिश नहीं की। तो सर जी ऐसे है ये जिंदगी, ऐसे है हम इंसान कि सब बाहर की तरफ तो हम भागते हैं, कोई दुख कष्ट आता है गुरुओं की तरफ तो भागते हैं, उनके आगे समक्ष उस टाइम अरदास भी करते हैं, बेनती भी करते हैं, महामंत्र भी करते हैं, मृत्युंजय का पाठ भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के मूल मंत्र भी करते हैं। तो सर वो बातें सीखे हैं, मेरे ख्याल से एक अंत में मेरी एक दोनों हाथ जोड़ के एक बेनती है कि हमेशा अपने आप को निछावर सरेंडर कर दीजिए उस प्रभु को, गुरु को, उस गुरु के आगे जाके सिर्फ अपने समक्ष दोनों हाथ जोड़ के बेनती कीजिए कि प्रभु जैसे भी हम तेरे हैं, तूने ही हमारी रक्षा करनी है, तूने ही हमारा ख्याल रखना है, हम मैले हैं कुचैले हैं गंदे हैं जैसे भी हैं, हम आपके हैं, हमें सुमति भी तुमने देनी है, हमें सतबुद्धि भी तुमने देनी है। तो संगत जी इतना कहने के बाद मैं आपसे इसे आज्ञा मांगूंगा, जय गुरुजी महाराज, जय संगत जी महाराज, जय तन तन गुरुजी महाराज।